Hello everyone, welcome back to my channel IAS Commando. So the topic of this video is how to focus in exam and remember everything. So basically I'm not just telling you about the ultimate study hacks, but I'm telling you about the fundamentals of how to study. Alright, so these things are least discussed, but these are the most important things. Alright, and these are the foundations of our study. So let's directly delve into whatever problem is. All right. So see, I received this message on the Telegram channel. So this aspirant is a very good aspirant with good intent. And the good things about these two people are that they are recognizing, all right, that there is something wrong with them. All right. So but there is also despair with them. So let's try to move away this kind of despair and see what can be done so that we can remember and we can be confident in our life as well as in exams. All right. So let's begin. So basically, so the aspirant was saying that he is not able to remember anything. All right. कुछ भी याद नहीं हो रहा है, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं जीवन में कोई एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा. ऑलराइट, एंड द सेम इज विद द सेकंड एस्पिरेंट आल्सो. सो बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेट्स सी. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर एनीथिंग, अगर आपको कुछ याद नहीं हो रहा है, ऑलराइट, तो दिक्कत कहाँ जा रही है आपकी स्टडी में? तो नंबर वन चीज ये समझिए कि यूपीएससी की स्टडीज में या किसी भी एग्जाम की स्टडीज में, फॉर एग्जाम्पल आईआईटी की स्टडी में, आपको एक लॉन्ग टर्म तक पढ़ाई करनी पड़ती है. ऑलराइट, तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई प्लान होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, बट क्या आपको बेसिक्स पता है? ऑलराइट, तो अभी आप समझिए कि हमको कोई चीज़ तब याद रहती है जब हम उसको फोकस करके पढ़ते हैं. ऑलराइट, जब हम उस पर फोकस करके पढ़ते हैं. अभी आप समझिए कि जब भी आप निमोनिक्स पढ़ते हैं, ऑलराइट, आप निमोनिक्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि देन यू आर वर्किंग विद दैट कंटेंट. आप उस कंटेंट के साथ जब काम कर रहे होते हैं तो, और आप उसको निमोनिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो बेसिकली आप उस कंटेंट को तोड़ताड़ करके अच्छे से देख रहे होते हैं. ऑलराइट, यू आर टचिंग, फीलिंग, ऑलराइट, स्मेलिंग द कंटेंट. तो जब भी आप एक कंटेंट के साथ इतना समय बिताते हैं, ऑलराइट, तब आपको वो निमोनिक्स बनते हैं. देन डेफिनेटली निमोनिक्स डू शॉर्ट इन इट एंड अरेंज इट इन अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन, वो तो है ही, बट देन यू स्पेंड टाइम विद दैट थिंग. ऑलराइट, जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उस पर फोकस करके टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऑलराइट, उसको अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट यू आर एबल टू रिमेंबर. नाउ फोकसिंग, तो अकेले निमोनिक्स एक तरीका नहीं है फोकस करने का, ये एक बेहतर तरीका है फोकस करने का, लेकिन जहाँ पे फैक्ट्स इन्वॉल्व हो. ऑलराइट, लेकिन जहाँ पे फैक्ट्स नहीं इन्वॉल्व हो, कोई कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे क्या किया जाए? तो देखिए, फोकस करना एक स्किल है. ऑलराइट, अभी फोकस करना स्किल क्यों है? क्योंकि बिगेस्ट बैटल आप जो लड़ रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आपने माइंड से लड़ रहे हैं ना. योर माइंड इज योर बिगेस्ट एनिमी. ऑलराइट, सो योर माइंड इज योर बिगेस्ट एनिमी. अभी आप देखिए, जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, तो ये जो मन है जिसको हम माइंड कह रहे हैं, वो बहुत तरीके के ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करते हैं. कैसे ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करता है? आपको नींद आने लगती है. ऑलराइट, फटीग हो रहा है, नींद आ रही है, प्रोकास्टिनेशन हो रहा है, आप किसी और चीज़ के बारे में सोचने लग जा रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है ना. फिर आपको भूख लग रही है, आपको बाहर जाना लगता है घूमने के लिए, आपको लगता है मैं कोई कॉल अटेंड कर लूँ, किसी से बात कर लूँ, कोई मैसेज पढ़ लूँ, ऑलराइट, यूट्यूब पे कुछ देख लूँ. तो दीज थिंग्स आते हैं. तो अभी देखिए, ये सब ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करने वाला क्या है? माइंड है. एंड कोइंसिडेंटली ऐसा भी है कि आजकल के वर्ल्ड में ये जो भटके हुए माइंड को पकड़ने वाली बहुत चीज़ें बना दी हुई हैं. ऑलराइट, कि जो आपका सारा टाइम खा जाएंगी. तो अभी आपके साथ जब इतनी सारी दिक्कतें हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू सिट ऑन योर स्टडी टेबल, ऑलराइट, तो फिर क्या, तो फिर अपन कैसे कॉन्सेंट्रेट करें? तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं आपको कॉन्सेंट्रेट करने की. अभी क्या है, बिगेस्ट टेक्निक जो होती है ना, तो मेडिटेशन है कॉन्सेंट्रेट करने की. अभी मेडिटेशन एक टेक्निक तो है कॉन्सेंट्रेट करने की, बट जब भी आप कोई नॉर्मल मेडिटेशन करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, या इस तरीके का मेडिटेशन करते हैं, तो अपने मन को जान पाना बहुत पॉसिबल नहीं रहता है.
जब आप अपने मन को जान सकते हैं ना, उसके बाद मेडिटेशन को इफेक्टिव वे में लाया जा सकता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको एक लंबे समय तक मेडिटेशन में बैठना है। तो देखिए, 15 मिनट का मेडिटेशन, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि गलत चीज़ होती है या कुछ भी होती है, बट क्या है, मन कितना भटकता है, मन को कैसे पकड़ना है, क्या चीज़ें हैं जो हमारे मन में बार बार आ रही हैं, जिसकी वजह से जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। ऑलराइट, जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो ये कैसे किया जाए? तो अभी क्या है, आपको अपने मन को जानना जरूरी है। अब मन को जानने के लिए शॉर्टकट्स नहीं है। ऑलराइट, कोई स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के बड़े जुमले आते हैं, बट मन को जानने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको बैठना पड़ेगा, आपको 8-10 घंटे जब भी आप बैठते हैं मेडिटेशन में, नॉट इन वन डे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 8-10 घंटे लगातार बैठ जाइए, लेकिन आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे शुरुआती दौर में जब आप मेडिटेशन को देते हैं, तो आपको समझ में आता है कि आपका मन कितना भटक रहा है, एंड देन आपको मन को बार बार पकड़ के लाना पड़ता है। ऑलराइट, तो आप अपने ब्रेथ पे फोकस करेंगे, आप जिस भी चीज पे फोकस करेंगे, तो ये मेडिटेशन का एक प्रोसेस है। तो जब आप इस चीज को बहुत हैबिचुअल हो जाते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ के लाते हैं, एंड देन आप उसको काम पे लगाने लगते हैं, तो देन क्या होता है कि आपके बाकी जो भी भटकाव है, देखिए लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, किसी के घर में पैसे नहीं है, किसी ने बहुत ही कोई बहुत अच्छी लाइफ नहीं जी होती है, किसी को रिलेशनशिप इश्यूज हैं, किसी के किसी कोई हरासमेंट के थ्रू जा रहा है, ऑलराइट, किसी के घर में झगड़े हैं, तो ये सारी चीजें जो क्या है, मन को बहुत ही डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब कर देती हैं। ऑलराइट, एंड देन ऊपर से लाइफ में हम देखते रहते हैं ये आगे बढ़ रहा है, वो हो रहा है, तो उन चीजों की एंजाइटी आ जाती है। तो अभी ये सब क्या है, ये सब लेकिन चीजें प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है, आपके मन में प्रोड्यूस हो रही है। अगर आप अपने मन को काबू कर लोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को काबू कर लोगे और उसको उसको मास्टर नहीं बनने दो, आप उसके मास्टर बनो, सो देन यू विल बी एबल टू अचीव एनीथिंग, रिमेम्बर एनीथिंग यू आर स्टडिंग। तो उसमें ना आपको निमोनिक्स की जरूरत पड़ेगी, ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। आप पढ़ोगे, आपको मेजोरिटी एब्जॉर्ब होगा, समझ में आएगा, आप सुनोगे, आपके दिमाग में जाएगा। ऑलराइट, आप जो ये बार बार एंजाइटीज महसूस करते हो, आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये चीजें हैं। अब ये मन को जानने का तरीका क्या है ना, मन को जानने का तरीका क्या है? तो देखिए, मन को जानने का तो बेसिकली बेस्ट तरीका विपस्ना मेडिटेशन है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जाएं वहाँ पे या जो भी है, अगर आपके पास टाइम है 10 दिन का, प्लीज जाइए, क्योंकि आप अगर और अगर आप फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में हैं तो प्लीज जाइए, बिकॉज आप देन कॉन्सेंट्रेट करना सीखते हैं। ऑलराइट, तो जब भी आप कॉन्सेंट्रेट करना सीखते हैं, तो आपको वही तो चाहिए यूपीएससी की स्टडी में। और मेडिटेशन से क्या होता है कि टाइम कम हो जाता है, आप स्ट्रेस कम महसूस करते हैं, तो ये जो सिली मिस्टेक्स हैं एग्जाम में मेंस एग्जाम में कुछ चीजें भूल जाना, ऑलराइट, तो ये सब नहीं होंगी। और आपके लाइफ में बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, जब आपके लाइफ में बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फोकस। ऑलराइट, तो व्हेन इट इज सो मच डिफिकल्ट टू फोकस, सो वंस यू नो कि बैकग्राउंड की जो क्लटर है लाइफ की, उसको अपने दिमाग में कैसे नहीं रखना है, एंड देन हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज। ऑल राइट, तो ये हमको विपासना मेडिटेशन सिखा देता है। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है, तो आप जब मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, तब सबसे पहला तो आपका मन के साथ परिचय होता है। ऑल राइट, यू कम टू नो अबाउट योर माइंड। अब ये एक्सपीरियंस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस एट योर होम, बिकॉज 1 घंटे आप बैठ जाए मेडिटेशन करने के लिए बहुत ही बड़ी बात है। ऑल राइट, तो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बैठते हैं, एंड वेन एवर आई टॉक टू माई जो भी जान पहचान वाले बच्चे हैं जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और फिर दे आर प्रिपेयरिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, तो आई आस्क देम कि आप बैठ के मेडिटेट करिए, तो दे से दैट दे आर स्कैर्ड। ऑल राइट, और विपसना जाने के लिए मानते नहीं है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इट्स नॉट वेरी इजी कि आप विपसना में जा करके बैठ जाएं, है ना?
तो अगर आप जा सकते हैं बिल्कुल जाइए, आई वुड रिकमेंड इट, है ना। इसलिए नहीं कि मेरे को इस टेक्निक से कोई वो है, बट पर्सनली जो मेरे इश्यूज थे लाइफ में, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो जो बैक ऑफ माइंड चलते रहते थे, तो पहले अगर वो 7 घंटे चल रहे हैं, 4 घंटे चल रहे हैं, 3 घंटे चल रहे हैं, तो आफ्टर डूइंग विपसना मेडिटेशन आई वॉज एबल टू रिकोगनाइज इन अ फ्लिक ऑफ अ सेकेंड कि अरे अभी ये थॉट आया टाइम वेस्ट करने के लिए माइंड में, एंड आई वुड कंट्रोल इट एंड देन आई वुड लेट इट गो एंड मैं अपने काम में आगे बढ़ जाती थी। ऑलराइट, तो ये आप कर लें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर आप विपसना में नहीं भी जा सकते हैं तो आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करिए। ऑलराइट, आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करिए और 1-1 घंटे बैठिए, है ना। मोबाइल में टाइमर लगा लीजिए, क्लॉक है आपके पास, अलार्म क्लॉक है उसमें टाइमर लगा लीजिए, एंड देन आप फोकस करने के लिए बैठिए। तो यू विल बी, कुछ दिन लगेंगे आपको, महीने, 2 महीने, 3 महीने लगेंगे आपको। तो पहले कुछ दिनों में आप अपने माइंड को पहचानेंगे। जब आप अपने माइंड को पहचानेंगे तो आप अपने मेजर थॉट्स पहचानेंगे कि आपको इन इन थॉट्स से दिक्कत हो रही है, बिकॉज ये बार बार रेकरिंग थॉट्स हैं। ऑलराइट, जब ये बार बार रेकरिंग थॉट्स या कुछ ऐसे भी थॉट्स जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है बार बार आ रहे हैं, तो जब भी आप बैठेंगे और फिर मेडिटेशन के टाइम पे तो आप उनको कंट्रोल कर ही पाएंगे, एंड देन बिना मेडिटेशन के भी जब आप रह रहे हैं तब भी आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे। ऑलराइट, तो यही आपका फोकस का पार्ट बताता है। जब आप फोकस में आ जाएंगे, व्हेन यू आर रीडिंग अ टेक्स्ट, ऑलराइट, तो अभी आप फोकस में आ गए तो यू विल बी एबल टू एब्जॉर्ब इट। ऑलराइट, यही अंतर होता है द सो कॉल्ड इंटेलिजेंट और द सो कॉल्ड, जिनको क्लासेस में बोला गया होगा बचपन में कभी कि दे आर नॉट गुड इनफ इन स्टडीज, कि फोकस है। अभी ये फोकस क्यों नहीं बन रहा किसी का, और किसी का फोकस क्यों बन रहा है? ऑलराइट, तो डेफिनेटली ब्रेन का स्ट्रक्चर भी इसके लिए एक वन ऑफ द फैक्टर्स है, बट एनवायरमेंटल कंडीशंस भी फैक्टर है। ऑलराइट, हर किसी के घर की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। एक पर्सन को मे बी, अगर आप देखें जो जो लोग अच्छा पढ़ रहे हैं उनके घर में एक ना एक माँ बाप प्रोफेसर या कुछ ऐसे फील्ड में होंगे जो स्टडी रिलेटेड फील्ड है। ऑलराइट, एंड आप देखें तो बिजनेस वाले लोग, उनको फोकस में दिक्कत होगी। ऑलराइट, तो बिकॉज बच्चे पेरेंट्स की हैबिट देख देख करके धीरे धीरे समझते हैं, एंड इन दैट प्रोसेस वो हैबिट्स बन जाती हैं, और वही डिफरेंस हो जाता है इंटेलिजेंट और उसमें। तो ये जो स्ट्रगल की कहानियां हैं वो सिर्फ कहानियां बस हैं, वहां पे कंडीशनिंग का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। ऑलराइट, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी जो लाइफ में पीछे था, जो हो गया वो हो गया वाली बात है, बट देन स्टार्ट फोकसिंग इफ यू वांट टू क्लियर एग्जामिनेशन या आपको जो भी करना है लाइफ में, तो स्टार्ट फोकसिंग। और फोकस करने के लिए मन को समझिए, मन के खेल को समझिए, बिकॉज उससे बड़ा एनिमी कोई नहीं है आपका। ऑलराइट, व्हेन यू गिव अप, जब मन गिव अप कर देता है तो वो गिव अप कर देता है। ऑलराइट, तो आपको अपने अंदर जा करके अपने आप को पहचानना है, एंड देन अपने सारे बेफालतू के थॉट्स को निकालना है, एंड देन अपने माइंड को फोकस करना है। तो आपकी एब्जॉर्बिटी बढ़ जाएगी, आपको याद रहने लगेगा, आपको 10-12 तरीके की ट्रिक्स और टेक्निक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द फोकस। ऑलराइट, लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि पढ़ना कैसे है ना, पढ़ना कैसे है, एक ये भी चीज है। अभी पढ़ने के लिए कीवर्ड टेक्निक होती है, तो बेसिकली जब भी आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहा है कोई ना, उसी में इंट्रोडक्शन पढ़ते पढ़ते ही बंदा हताश हो जाता है, बिकॉज ही इज नॉट एंटाइज्ड वेरी मच इन द इंट्रोडक्शन। ऑल राइट, क्योंकि जो मेन फैक्ट्स कॉन्सेप्ट जो रहते हैं वो तो बीच में आते हैं हमेशा टेक्स्ट करके, तो अभी वहां तक अपनी आप कैसे इंटरेस्ट बना करके रखेंगे? तो वो कीवर्ड टेक्निक होती है, यू हैव टू फोकस ऑन अ कीवर्ड इन अ पैराग्राफ। ऑल राइट, देन गो अगेन एंड रिवाइज दैट पैराग्राफ, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द मेन इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन दैट पैराग्राफ। ऑल राइट, अभी ये कीवर्ड टेक्निक जो है दैट इज ऑलरेडी शेयर्ड बाय मी इन द वीडियो कि नोट्स कैसे बनाए। ऑल राइट, हाउ टू मेक नोट्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो बिकॉज ये दिक्कत थी, यस देर आर पीपल जिनको फोकस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, है ना, एग्जाम की वजह से होती है। तो जब भी आप मेडिटेशन करना सीख जाए,
आप मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हैं तो कोई ऐसी टेक्निक सीख जाए जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके काम पे लगा लें, ऑल राइट, तो वो काम में आ जाता है। अभी आप कोई बोलेगा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये वो, ये सब चीजें तो ठीक है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड नहीं होता है, एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड ही सबसे बड़ा एनिमी है। तो बेसिकली आपकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस जो भी है, उन सब का जो कारण है ये सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल में ना रहना है। अगर आप इसको कंट्रोल कर ले देन यू विल बी एबल टू डू द एग्जामिनेशन वेरी वेल, या कुछ भी आप लाइफ में करना चाहे, वेदर इट इज योर प्रैक्टिस इन एनी गेम्स और एनीथिंग। तो ये फोकस की बात होती है। आप कभी धोनी को देखिए तो धोनी ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑल्सो। वाई? बिकॉज आप देखिए उनके चेहरे पे फोकस ही फोकस दिखाई देता है। व्हेन ही इज बिहाइंड द स्टम्प ही इज फेनोमिनल। वाई? बिकॉज ऑफ द फोकस। आप नीरज चोपड़ा को देखिए, ऑलराइट, सो व्हेन एवर आई सी हिम थ्रोइंग अ जैवलिन तो उसमें फोकस ही दिखाई देता है, ऑलराइट, सो उतना शार्प फोकस। एंड ये चीज तो अर्जुन की आंख के बारे में भी रहती है। व्हेन ही इज ट्राइंग टू पियर्स द आई ऑफ द बर्ड, ऑल राइट, तो बेसिकली वो लेसन क्या है, वो फोकस के ऊपर लेसन है। तो आपको फोकस बनाना, और फोकस बनाना कोई मैकेनिकल चीज नहीं है, आपको मेडिटेट करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहचानना है, एंड देन आपका सबकॉन्शियस माइंड जहाँ आपको बहका रहा है आपको उसको वहां से भगाना है। तो छोटी छोटी चीजें ऐसी रहती हैं जिससे आप इसको रियल लाइफ में भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मिठाई खाने का मन कर रहा है तो डिनाई करिए, ऑल राइट, बिकॉज आपका मन कर रहा है, सो दैट वो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको पहचानिए, ऑल राइट। भूख लग रही है तो एक तो पेट बताता है भूख लग रही है, बट जब लालच आता है तो सबकॉन्शियस माइंड बताता है, ऑल राइट, तो आपको बहुत अच्छा कुछ खाना खाना है, ऑल राइट, कुछ डिलीशियस सी डेलिकेसी खानी है, या फिर आपको सिंपल हेल्दी खाना खाना है, तो डिनाई करिए कभी अपने आपको बहुत ज्यादा डेलिकेसी, और अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए। तो उसमें भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिनाई करके और अपना फोकस बढ़ा रहे रहते हैं, ऑल राइट। तो छोटी छोटी टेक्निक्स होती है लाइफ में, ऐसा बहुत कुछ होता है जिससे हम अपना फोकस बढ़ा सकते हैं, बट मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू फोकस। तो आपका ये सब खत्म हो जाएगा, बट इट टेक्स टाइम। आई पर्सनली फील, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, द लास्ट इंटरव्यू आई गेव, ऑल राइट, तो मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रही थी उस समय, एंड आई वॉज एबल टू रीड 6 पेपर दैट डे बिफोर गोइंग इन टू द इंटरव्यू प्रोसेस, ऑल राइट। तो 6 पेपर पढ़ लिए थे एंड आई वॉज उतना एंग्जाइटी नहीं हो रहा था दैट आई हैव एक्सपीरियंस इन माई प्रीवियस इंटरव्यूज। तो बिकॉज ऑफ दैट मेडिटेशन डिड हेल्प मी, ऑल राइट, मेरी एब्जॉर्बिटी बढ़ चुकी थी बिकॉज ऑफ दैट। तो सेम आई वुड एडवाइस यू कि एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, एंड ये कोई जुमले नहीं है ना, दैट समबडी इज ग्रेट और नॉट, इसके बारे में नहीं होती है ये चीज़। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ करके जितना अपने लिए फायदेमंद काम में लगा सकते हैं, इट्स ओनली अबाउट दैट, एंड ये ही जो है वो सीक्रेट है, वो रिवील्ड है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए पूरा जोर लगा दीजिए, आपकी स्टडीज अपने आप टैकल हो जाएंगी, ऑल राइट। और उसके लिए आपको 1 घंटा, आपको शुरू में कभी 3-4 घंटे देने होंगे 10 दिन, एंड देन आपको 1 घंटा डेली देना है, एंड यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ, बिलीव मी, ऑल राइट। सो दिस वॉज अ वेरी हटके वीडियो। वाई? बिकॉज इट वॉज नीडेड। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स फॉर दिस अटेम्प्ट, एंड आई प्रोमिस कि 1 साल में इस यूट्यूब चैनल पे इतना कॉन्टेंट होगा कि डेफिनेटली वहां से 50-60% क्वेश्चन आ जाएंगे, जितने में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, एंड द कमिंग ईयर आई थिंक वी विल मेक ग्रेट ग्रेट सिविल सर्वेंट्स। थैंक यू सो मच, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।